कम स्टूडेंट्स इन खुशेंद्र सर क्लासेस. स्टूडेंट्स, एज आई हैव टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियोज अबाउट द चैप्टर वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर. तो लेटेस्ट स्टूडेंट्स स्टार्ट आर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवस, हथौड़ा पेच और त्रिपाल ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक. मैं संघर्ष करता हुआ जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंचा विद द स्टारबोर्ड साइड ब्लस्ट ओपन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टारबोर्ड साइड होता है जो दीवार, यानी कि जो नाव की जो दीवार थी वो जो हिस्सा था वो खुल गया था, यानी कि हैस्ट ओपन बेस्ट ओपन खुल गया था. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, जैसे ही प्रत्येक लहर आ रही थी तो हमारी नाव में पानी भरता जा रहा था. दैट ब्रोक ओवर अस, जो फूट करके हमारे ऊपर आ रहा था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया तो वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित तौर पर डूब जाएंगे. कि जहाँ से पानी आ रहा था अगर मैंने वहाँ पर रिपेयर नहीं किया तो हम जरूर डूब जाएंगे, हमारी नाव डूब जाएगी. Somehow I managed to stretch canvas. अब कैसे भी करके मैंने तिरपाल को खोला and secure waterproof hatch, और मैंने खुले हुए छिद्रों को secure किया, यानी कि मजबूत किया. hatch covers across the gaping hole. gaping hole का मतलब students, यहाँ पर जो खुले हुए छिद्र थे उनमें मैंने जल रोधक हैच जो था, यानी कि एक त्रिपाल जो थी उसको मैंने उसके चारों ओर कवर कर दिया, सुरक्षित कर दिया, उन होल को बंद कर दिया उसके साथ या त्रिपाल के द्वारा. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, लगातार कुछ पानी नीचे से आता रहा. बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु अब अधिकतर पानी साइड पर से मुड़ कर के बह रहा था. परंतु अब क्या हो रहा था कि जैसे स्टारबोर्ड साइड जहाज का जो दीवार थी, दीवार वाला जो हिस्सा था वो टूट गया था, और अब वहाँ से पानी जो है आ रहा था, अब नीचे से पानी आना बंद हो गया. अब मोर प्रॉब्लम्स अरोज वैन, लेकिन जब परेशानी तब ज़्यादा बढ़ी, वैन आर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे हैंड पंप ने ब्लॉक अप दिखानी शुरू की. विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केविन, जो हमारा जहाज के ऊपर जो स्टारबोर्ड साइड के ऊपर जो केविन बना हुआ था, जहाँ से हम मतलब जहाज को चलाने कंट्रोल कर रहे थे, चला रहे थे, तो जब वहाँ हैंड पंप ने केविन के चारों ओर जो पड़ा हुआ जो मलबा था उसके द्वारा जब ब्लॉक होना शुरू कर दिया. दोबारा देखें, वी आर when our head pump started to block up, जब हमारे head pump ने block up शुरू कर दिया. and with the debris, debris का मतलब कूड़ा करकट, floating जो तैर रहा था around the cabins, cabin की चारों ओर. the electric pump short circuited, जैसा कि पानी आ गया था तो electric pump भी जो है जिसके द्वारा हमारा जो जहाज के अंदर आने वाला पानी बाहर जा रहा था तो वो भी short circuit हो गया, वो भी खराब हो गया. the water level rose threateningly, और जो पानी का स्तर था नाव के अंदर वो लगभग खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा. एंड ब्लैक ऑन डेक, बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैड पंप. अब मैंने जो है डेक पर जब मैं वापस आया तो मैंने पाया कि दो जो हमारे एक्स्ट्रा हैड पंप थे हैड बीन व्रेंच ओवरबोर्ड. ओवरबोर्ड का मतलब है जहाज के ऊपरी हिस्से पर खुले पड़े थे, अलोंग विद द फ्रॉस्टी सेल, जो कि एक यानी कि जो आगे वाली जो पाल होती है, एक छोटी सी जो पाल होती है उसके साथ द जिव, और द जिव के साथ द डिंगीज, और यानी कि छोटी छोटी जो लंगर थे उनके साथ. एंड द मेन एंकर, मुख्य जो एंकर था, और द डिंगीज, डिंगीज का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट छोटे से है, वैसे छोटी नाव को भी डिंगी बोलते हैं लेकिन यहाँ पर छोटे जो लंगर पड़े हुए थे, छोटी जो नाव जिब पड़ी हुई थी, पाल पड़ी हुई थी, यानी कि जो पर्दा लगा रहता है जो नावों में देखा होगा आपने, जब हवा चलती है तो उसको काटने के लिए उसे लगाया जाता है, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी. एंड देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प, और तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पम्प था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, यानी कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे था. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने इसे बाहरी जो पाइप था उससे इसे जोड़ दिया. हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पम्प था जो हमारे चार्ट रूम के फर्श में अंदर पड़ा हुआ था, फर्श के नीचे पड़ा हुआ था, चार्ट रूम के फर्श के नीचे पड़ा हुआ था, अब मैंने उसमें नीचे जो पड़ा हुआ था अब उसको मैंने जो है बाहर वाले उससे
अटैच कर दिया पाइप से, आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, बाहर वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं ये पाकर के बड़ा खुश हुआ कि इसने काम करना शुरू कर दिया, और यानी कि मैंने इसके लिए धन्यवाद किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, अब जो रात थी वो भयानक ठंड लेकर के आई, बिटरली एंड कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन, अब रात जो है भयानक ढंग से लगातार ना ख़त्म होने वाली रात थी, नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाली रात थी जो खिस्ती चली जा रही थी, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी कि पूरी रात ऐसे ही गुजर गई लगातार पानी को बाहर निकालते हुए एंड स्टेयरिंग और नाव चलाते हुए एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो पर काम करते हुए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मिड डे कॉल्स, और अब हमें हमारे रेडियो के सिग्नल का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था, जो मिड डे कॉल्स का मतलब है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो सिग्नल होते हैं उनसे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट, और आखिर हमें यहाँ पर आश्चर्य भी नहीं हो रहा था क्योंकि इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार के इन दूर दराज के क्षेत्र में थे, संसार से के हम बहुत ज़्यादा दूर वाले इलाके में थे, तो वहाँ पर सिग्नल मिलना बहुत बड़ी कठिनाई का काम था, तो इसलिए हमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। एंड सीज हैड स्वेलन अलार्मिंगली, और सीव का जो सर था वो अब खतरनाक तरीके से सूज गया था, एंड सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, एंड नाउ द शोड अस आ डीप कट, और अब उसने हमें अपनी एक जो है डीप कट ऑन हर आर्म, अपनी बाजू पर एक गहरा कटाव का निशान दिखाया, एंड व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, अब उसने पिता ने कहा कि जब मैंने पूछा कि तुमने अपनी जख्मों की ओर पहले से क्यों ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने जख्मों की ओर पहले से क्यों नहीं दिया, अब मैंने जब उससे कहा, व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, एंड उसने पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी फादर, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हमारी सब की चिंता कर रहे थे, हमें बचाने में लगे हुए थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, एंड बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, अब 3 जनवरी को सुबह के समय द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली, अब यानी कि 3 जनवरी को सुबह तक पानी का जो स्तर था वो काबू में आ गया, वाटर लेवल जो है सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, कि अब हम लगातार 2 घंटे तक रेस्ट इन रोटेशन, अब हम रेस्ट कर सकते थे रोटेशन से एक के बाद एक, एंड बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर, परंतु अब हमारी नाव में कहीं पर एक बड़ा सा विशाल कोई ट्रेमेंडियस लीक था, एक बड़ा सा कोई छेद या होल था जिसके द्वारा पानी आ रहा था ब्लो द वाटर लाइन, यानी कि वाटर लाइन के नीचे, यानी कि हम ये कह सकते हैं, परंतु फिर भी हमारे पास जल रेखा के नीचे कहीं 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 ना कहीं एक विशाल रिसाव था या एक होल था। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड, और जब मैंने इसे चेक किया तो मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम्स वर स्मैश्ड, कि लगभग जो नाव की जो फ्रेम है, यानी कि नाव जिनसे जुड़ी हुई रहती है, जो लकड़ी होती हैं सतीर होती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं, तो यानी कि मुख्यतः फ्रेम जो थे नाव के वो कहीं ना कहीं से चौड़े तल तक टूट चुके थे, एंड स्मैश डाउन टू द नील, नील का मतलब होता है चौड़ा तल जो होता है वहाँ तक से, एंड इन फैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, वहाँ पर वास्तव में वहाँ पर वास्तव में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें जोड़े रखती, अ होल सेक्शन ऑन द स्टारबोर्ड, एक पूरा का पूरा होल सेक्शन यानी कि जहाज का जो पूरा हिस्सा था, जो दीवार थी, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, यानी कि सिवाय कुछ अलमारी का जो पार्टीशन होता है, यानी कि जहाज की जो दीवार थी उससे जुड़ी हुई कुछ अलमीरा बनी हुई थी जहाज पर और उससे जुड़ी हुई थी, बस वही पार्ट जिससे अलमीरा जुड़ी हुई थी बस वो भाग बचा था स्टूडेंट,
एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड, यानी कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो जोड़े रखता उस पूरे भाग को, स्टार बोर्ड यानी कि जहाज की दीवार को, हल एक्सेप्ट यानी कि सिवाय अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय कुछ पार्टीशन के अलावा। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, अब हम लगभग 15 घंटे बाद तक हम इस संकट से बचे रहे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से लहरों ने हमें हिट किया था, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट, हमारा वेव वॉकर हमारे लिए ऑस्ट्रिया जाने तक बचा ही नहीं रहेगा। ऑस्ट्रिया नो नहीं स्टूडेंट, बल्कि ऑस्ट्रेलिया है कि वो यहाँ पर बचा नहीं रहेगा। देखिए कि बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, परंतु ये जो वेव वॉकर है वो हमें एक लंबे समय तक जोड़ करके, बचा करके नहीं रखेगा, एंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए। आई चेक्ड आर चार्ट्स, हमने अपने चार्ट चेक किए, एंड कैलकुलेटेड दैट वर टू स्मॉल आइलैंड्स, और अब हमने ये कैलकुलेट करके हिसाब लगाया कि वहाँ पर दो आइलैंड हैं अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, यानी कि कुछ किलोमीटर दूर ईस्ट की ओर। अब यानी कि हमने कैलकुलेट किया और हमने पाया कि दो छोटे छोटे द्वीप हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से इले एमएस एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जिसमें आइल एम्स्टर्डम जो है फ्रांस का वैज्ञानिक जो आधार था, एंड आर ओनली होप वाज टू रीच देयर, केवल हमारी एक आशा थी कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और ये जो हमारी आशा थी कि हम इन आइलैंड पर पहुंच जाएं, ये जो आइलैंड थे वो पिनप्रिक्स का मतलब होता है सुई की नोक के बराबर थे, इन द वास्ट ओशियन, उस समुद्र, विशाल समुद्र पर, यानी कि जैसे सुई की एक नोक होती है ऐसे ही विशाल समुद्र पर वो उस नोक का भाग होता है, तो उसके ही बराबर थे वो उस समुद्र पर। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, परंतु यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पवनों की और सागर की जो शांत होने तक हमने जो है, यानी कि बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, अब यानी कि हमने यहाँ पर पाल भी नहीं खोल सकते थे कि हम जो है पाल भी नहीं खोल सकते थे जब तक हवा और सागर अगर शांत नहीं हो जाते, अवेटेड का मतलब शांत होना है, एंड आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो बचने के चांस थे, अवसर भी जो थे वो बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर एक्सेलरेटेड इंजन, और जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो भी, अब हम ये कह सकते हैं कि विशाल जो लहरें थी उन्होंने हमारे जो एक्सेलरेटेड इंजन था, जो सहायक इंजन था, यानी कि पहला इंजन ख़राब हो गया, उसके बाद जो स्पेयर इंजन था जो हमने वो जोड़ा, वो लगभग ख़राब सा कर दिया, आउट ऑफ द एक्शन, यानी कि इंजन को ख़राब कर दिया था स्टूडेंट। ऑन January 4th, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि January 4th को आफ्टर 36 आवर ऑफ द कंटिन्यूस पम्पिंग, लगातार हमारे 36 घंटे तक पानी बाहर निकालने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, अब हम लगातार उस स्तर पर पहुंच गए कि हमारे पास कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा, यानी कि पानी को निकालने में हम सफल हो गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर, अब हमें केवल उस पानी से लड़ना था जो हमारे नाव के अंदर बचा हुआ था, यानी कि अब पानी बाहर से नहीं आ रहा था, एंड स्टिल कमिंग इन, और जो पानी अंदर आ रहा था बस अब हमें उसी से लड़ना था। बट स्टूडेंट वी विल स्टार्ट इट अगेन बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, आई होप दैट स्टूडेंट यू हैव लर्नड इट वेरी वेल, एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल खुशिंदर सर क्लासेस, एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो टू लर्न द रिमेनिंग चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।